जब भारत के बेस्ट वाइल्ड डेस्टिनेशन की बात आती है तो उसमें मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जैसे कि बांधगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क की वजह से मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हेलो गाइस, दिस इज़ रेहान हेयर और आप देख रहे हैं द एक्सप्लोरर इंडिया। आज हम जाने वाले हैं प्रयागराज से लगभग 150 किलोमीटर दूर वाइट टाइगर सफारी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करिए फुल वीडियो। आप यहाँ पर उतर करके मज़ा ले रहे हैं और हम जल्दी से ही सीएनजी फुल करवा के यहाँ से रवाना होंगे। और आई होप अब मुश्किल से एक घंटे का रास्ता और बचा होगा, तो सीधा मिलता हूँ मैं आपसे वाइट टाइगर सफारी पहुँच के।
अब हमने फाइनली यहाँ पर एंट्री ले ली है और करंट टाइम है 10:25 और यहाँ पर व्हाइट टाइगर सफारी ज़ू मुकुंदपुर एमपी रीवा। सारे स्टाफ सेल्फी लेने में बिजी है और बहुत ही जल्द अब हम अंदर का भी आप लोगों को व्लॉग दिखाने वाले हैं कि ये इस व्हाइट टाइगर की हिस्ट्री क्या है और ये यहाँ पर कैसे आया मुकुंदपुर में, और अंदर जो ज़ू है उसमें जितने भी एनिमल्स हैं उसके बारे में भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ और एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। सो बने रहिए इस व्लॉग के साथ। वाइल्ड लाइफ ट्रैवलर्स के लिए वाइट टाइगर जैसी अनोखी प्रजाति को देखना ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। सो गाइस, वाइट टाइगर सफारी की शुरुआत आज से लगभग 6 साल पहले 2016 में हुई है। यह कहानी शुरू होती है मोहन से, जो कि दुनिया का सबसे पहला वाइट टाइगर था। मोहन को महाराजा मार्तंड सिंह ने 27 मई 1951 को सीधी जिले से पकड़ा था और बाद में उसे रीवा के गोविंदगढ़ पैलेस में लाया गया, जहां से वह अगले दिन भाग निकला और रीवा से लगभग 27 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर क्षेत्र में पाया गया। तब मोहन 2 दशकों तक इसी क्षेत्र में रहा और अंत में सन 1959 में मोहन की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि मोहन और राधा की संतानें आज विश्व के अन्य हिस्सों में फैली हुई है। उधर ऊपर वाला रियल है, नीचे वाला भी रियल, वो देखे ऊंचा रहा है। कहे बुला उसको, खेल रहा है। कोई पक्षी है वो? हाँ, पक्षी वो है, शाही काटा वाला। ऐ
आइए चलते हैं आगे। बहुत जोर धाम है भाई साहब, चलो कोई भरोसा। तो पानी भी उसके लिए भर के रखे हैं। ये सर्वाहारी है, देखिए लिखा है बॉडी लेंथ 40 से 70 सेंटीमीटर, वेट 1.5 से 4.5। और नाम क्या है इसका? नमुआ नहीं लिखे यार। कॉमन पॉम किट रात्रिचर हो, रात्रिचर पॉम स्वेट, पाम स्वेट बैठा है, वो बैठा है, सब बैठे ही बैठे हैं। दोपहर है ना, सब सोएंगे है ही। हाँ दोपहर, ऊपर बैठा है नीचे बैठा है, धूप लग रही है, सुस्ता रहा है अपना, पानी से उठा के हम लोग पागल हो गए हैं। हेलो, ये तो अजगर लग रहा है, वो बिल्ली है, उन्होंने लपका है, जंगली बिल्ली ये वो है ना, क्या है ये? वाह बाहर में निकल आया है, ये नेवला का बड़ा भाई है। हाँ बिग ब्रदर, क्या लोग बोला पानी के अंदर, अब क्या करें गर्मी में, क्या करें, लोग देखा तो है हम लोग का। हाँ हाँ देख रहा है, ये देखो जंगल का है, कैट कम, कैट कम या टाइगर ज्यादा लग रही है। हाँ, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, थोड़े बड़े भी है। हाँ, चलने में, चलने के हाव भाव देख लीजिए, इसमें रहते हैं छोटे में इतने, सोचो ना खेलना कूद, बेचारे देख रही बाहर हम चले जाए में, सबसे खतरनाक नहीं होता है शेर के बाद, डिस्टर्ब ना करो बेचारे, गंदी से शक्ल है इसकी, फोटो खींचो, फोटो खींचो फिर, देखो कितना अच्छी मूवमेंट में आ भी गया, देखो बताओ जानवरों की मूवमेंट यहाँ देख रहे हो कितनी तगड़ी मिल रही है। कैसे प्रेम जेको, ये वो है सियार, हुक्के हु, हुक्के हु, अपकमिंग बोल। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने सारे बाड़े देखे और सारे एनिमल्स को देखा, अब हम और आगे के जो और बाड़े हैं वहाँ जाने वाले हैं, ये हमें ड्राइवर भैया वहाँ लेके जाएंगे आगे, फिर उसके बाद लगभग आधे घंटे के अंदर फिर हम लोग व्हाइट टाइगर सफारी के अंदर जाएंगे। ओके सो बने रहिए और वर्चुअली मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। देखिए कितना गड्ढा है, हाँ गड्ढा ठीक ठाक है, अरे तो नॉर्मल है। अच्छा ये आदमी का शिकार कर लेगा? नहीं, ये आदमी से बहुत डरता है, शिकार है वो आदमी से बहुत डरता है। वो वाला कुपोषित है बेचारा, सबसे आगे वाला इधर किनारे वाला, ये ठीक ठाक है, चलो हो गया। वो यार सांभर नहीं देखा, नहीं मत छोड़ो, ए आयुष नीचे करो, अंशिका अब ढेर सारे हैं, सलमान खान ब्लैक बक को मारा था, काले हिरण को, जिसके सींग है वो मेल है, जिसके सींग है वो फीमेल है। हाँ 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 बिल्कुल।